सिद्धियों और शक्तियों के मार्ग में 10 महाविद्या की साधना बहुत ही दुर्लभ होती है, और 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना उतना ही दुर्लभ होता है जितना सिद्धियाँ प्राप्त करना। हमारे बीच अमरदीप चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और ये 10 महाविद्या में माँ धूमावती की साधना कर रहे हैं। माँ धूमावती जितनी प्रचंड हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि माँ की प्रचंडता सभी साधक, सभी तांत्रिक, सभी आम जन जानते हैं। माँ धूमावती एक ऐसी शक्ति हैं जो क्षण भर में अपने शत्रुओं का विनाश कर देती है। कैसा भी शत्रु हो, कैसा भी प्रयोग हो, कैसा भी मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन विद्वेश्वर हो, सारी चीज़ों को मात काट देती हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय भाई माया। आज हम अमरदीप जी से वार्ता करते हैं। अमरदीप जी आए हुए हैं साधना करने योग माया दरबार में, और योग माया दरबार इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से देखा चैनल को, और फिर साधना के लिए प्रेरित हुए और माँ धूमावती की साधना कर रहे हैं। तो अमरदीप जी, हमारे सभी साधकों को बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे यहाँ आना हुआ। जी, सबसे पहले मैं गुरु जी को साथ साथ नमन करता हूँ, जय जय श्री, और योग माया दरबार को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम अमरदीप चतुर्वेदी है, मैं गांव में रहता हूँ। मैं बहुत परेशान था, एक दो जगह पे जा जा के परेशान हो चुका था। तो मैं YouTube देखते देखते गुरुजी का वीडियो मिला, जिसमें योग माया चैनल के नाम से है। तो उनसे मैं संपर्क किया, फ़ोन करके बात हुआ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे भी तो अच्छे सलाह दिए। उनके बाद मैं आने के लिए प्रेरित हुआ, तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि आ जाओ ऐसे करके। फिर मैं अपने हिसाब से मैं गुरुजी के माध्यम से पहुंच गया उनके पास, योग माया दरबार में पहुंच गया मैं। अमरदीप जी, आपको छत्तीसगढ़ से यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी गुरुजी, मुझे परेशानी नाम का तो कोई चीज़ भी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मानो मैं जब घर से निकला तो ऐसे व्यवस्था ऐसे आगे आगे मेरा पहले से मौजूद है, ऐसे लग रहा था व्यवस्था है। तो आपको जैसा फ़ोन के माध्यम से बताया गया था जब आपने हमसे वार्ता की, सब कुछ वैसा ही था कि कुछ बदला हुआ लगा आपको यहाँ आने पर? नहीं गुरु जी, सब चीज़ वैसी की वैसी है, कोई बदलाव वगैरह नहीं लगा मुझे। जैसा हमने आपको बताया था सब कुछ वैसा ही है ना? जी गुरु जी, एकदम वही है। तो आप माँ धूमावती की साधना क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि माँ धूमावती बहुत प्रचंड होती है और 10 महाविद्या में माँ का स्थान है, तो 10 महाविद्याओं की साधना बहुत ही दुर्लभ होती है, और दुर्लभ साधना होती है और बहुत प्रचंड साधना होती है। तो हमारे दर्शकों को, हमारे साधकों को, साधिकाओं को बताइए कि आपने क्यों चुना माँ धूमावती की साधना? जी गुरुजी, मैं कुछ दिनों से बहुत ही परेशान था, साधना करूँ कि नहीं करूँ ऐसे करके, और गांव में कुछ मेरे साथ विवाद वगैरह भी हुआ है 2-3 लोगों से, जिनकी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। वो लोग तो मेरे से बल में भी और धन में भी और पद में भी बड़े हैं, लेकिन मैं उनका सामना कैसे करूं ऐसे करके। लेकिन मुझे, मैं YouTube के माध्यम से किसी और के दूसरे YouTube के इस धूमावती जी की वीडियो को मैं देखा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये इससे मेरा समाधान हो सकता है। तो आपने सही चुना, क्योंकि माँ धूमावती सबको नाश करने में अग्रगणी हैं और माँ बगलामुखी भी हैं। तो जो भी साधक साधना के लिए आना चाहते हो योग माया दरबार में आ सकते हैं। साल के 12 महीने यहाँ साधनाएं करवाई जाती हैं, और साधना सान्निध्य साधना भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हर तरह से साधना यहाँ करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की तामसिक साधना नहीं करवाई जाती, जिसमें बलि का प्रावधान होता है, मांस दिया जाता है। यहाँ सात्विक साधनाएँ, दैविक साधनाएँ करवाई जाती हैं। जो भी साधक करना चाहे वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और हमारे पास भी आके कर सकते हैं। यहाँ साधना करने के एक विशेष लाभ ये है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने में आपको ये लाभ मिलेगा कि जैसे एक बार में आपकी साधना सफल नहीं होती है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके घर में कार्य है, किसी भी कारण से छूट गया या कुछ हो गया, तो उसी पैसे में आपको दोबारा साधना करवा दी जाती है, दोबारा तिबारा ऑनलाइन करा दीजिए। लेकिन यहाँ अगर कोई आता है व्यक्ति, तो यहाँ साधना सफल होने के 99% चांसेज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे सान्निध्य में साधना करेंगे, किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। जो भी गलतियाँ होती हैं उसको देख लिया जाता है शक्तियों के माध्यम से, और उसका समाधान हो जाता है। जो भी नवीन साधक हों, चाहे पुरातन साधक हों, चाहे नव दुर्गा की साधना करना चाहते हों, 10 महाविद्या की साधना करना चाहते हों, 64 भैरों की करना चाहते हों, या जो 52 भैरों प्रमुख हैं,
हनुमान जी की महाकाली माँ, शमशान काली माँ, कोई भी साधना आप जो दैवीय साधना है, नवग्रहों से संबंधित साधनाएँ आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके सानिध्य साधना कर सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से अपने सानिध्य में साधनाएँ करवाई जाती हैं। जो भी नवीन साधक हों चाहे पुरातन साधक हों, साधिकाएँ हों, सभी आ सकते हैं। आप आए, साधना करें, अपने जीवन को बदलें। तब तक के लिए शनि माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माया, जय माया माया।